नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपके सामने कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेके आए हैं। डॉक्टरों पर हमला करने वालों को होगी 7 साल की जेल। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर लगाई मुहर। भारत में अब तक कुल 20,471 लोग कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। एक्टिव पेशेंट 15,859 है, यानी जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3,959 ठीक डिस्चार्ज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 26,35,000 के पार हो गई है। कोरोना ने दुनिया में 1,84,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति अमेरिका में देखने को मिल रही है। सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की, गरीबों, किसानों और मजदूरों को तुरंत दे आर्थिक मदद। सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि देश में कोरोना वायरस से जितनी टेस्टिंग की जा रही वो काफी नहीं है और इनका संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। देश में 21,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 681 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 के पार हो गई। पिछले 24 घंटों में 41 लोगों की मौत हुई। मरीजों और कोरोना से मौत की संख्या में मामले महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला पड़ेगा महंगा। मोदी सरकार ने महामारी कानून में किया बदलाव। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध। देश में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, अब तक 681 की मौत। कुल मामले 21,000 के पार। देश में 21,000 के पार हुई कोरोना केस की संख्या, अब तक 681 लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।